अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। बॉलीवुड स्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी में उनके साथ अमीषा पटेल भी नजर आ रही हैं। फिल्म को लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। पहले दिन गदर 2 ने 55 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद हर रोज ये फिल्म नया रिकॉर्ड तोड़ रही है। बीते दिन सनी पाजी की गदर 2 ने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सनी देओल की गदर 2 ने छठे दिन करीब 34 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई करीब 300 करोड़ पार कर चुकी है। हालांकि ये भी शुरुआती आंकड़े हैं, अभी ऑफिशियल रिकॉर्ड सामने आना बाकी है। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आइए बात करते हैं गदर 2 से पहले बनी गदर फिल्म की। गदर 2 से पहले बनी गदर की यह फिल्म बंटवारे के दौर पर आधारित थी। फिल्म का मूल था कि बंटवारे की विभाषिका में परिवार से बिछड़ी एक मुस्लिम लड़की सकीना हमलावरों का शिकार होने ही वाली होती है कि एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह उसे आकर बचा लेता है। वे वहीं उसकी मांग भरकर उसे अपनी पत्नी भी बना लेता है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा होता है जीते। तारा सिंह किसी तरह अपनी पत्नी को पाकिस्तान से भारत लाने में सफल हो जाता है। अब आगे गदर 2। सकीना के पिता अशरफ अली को यह आरोप लगाते हुए पाकिस्तान में फांसी दे दी जाती है कि उसने सकीना व तारा सिंह को भारत भगाने में मदद की थी। यहाँ जीते का मन पढ़ाई में कम और नाटक नौटंकी में ज्यादा लगता है। तारा सिंह फौजियों को रसद आपूर्ति का काम करता है। एक दिन उसे राम टेकरी पर हुए पाकिस्तानी हमले के बीच कोला बारूद पहुंचाने में सेना की मदद करनी होती है। हालात बिगड़ते हैं और खबर आती है कि तारा सिंह को पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया है। बेटा जीते उसकी तलाश में भेष बदल कर पाकिस्तान पहुंच जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात मुस्कान से होती है जो उसकी काफी मदद भी करती है। इस बीच तारा सिंह किसी तरह भारत आ जाता है, लेकिन एक बड़ी चुनौती बनती है जब जीते को पाकिस्तानी सेना ISI की मदद से पकड़ लेती है। पिछली बार पाकिस्तान से सकीना हिंदुस्तान आई थी, इस बार चुनौती मुस्कान को लाने की है। अब नए सीन, नई कहानी और देशभक्ति से भरे माहौल में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे, इसी के इर्द गिर्द घूमती है फिल्म गदर 2 की कहानी। दर्शकों का ये भी मानना है कि अनिल शर्मा की ये प्रेम कहानी आगे भी जारी रहेगी। जीते भी फौज में भर्ती हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि अब ये कहानी कारगिल युद्ध पर आकर नई फिल्म के रूप में सामने आएगी। हालांकि अभी कुछ कहना बेहद जल्दबाजी होगी।